ना जब हम माहौल देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं वहां पर बुलडोजर से डराने का काम करते हैं। इतना दुखी कभी लोग नहीं हुए होंगे जितना यह महायुति की सरकार ने महादुखी किया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13-14 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद अब प्रशासन का चाबुक चलता नजर आ रहा है। शुक्रवार को 26 और लोगों को जेल भेज दिया गया है। वहीं इससे पहले पुलिस ने 5 आरोपियों अब्दुल हमीद, रिंकू उर्फ सरफराज, फहीम, तालीम और अफजल को गिरफ्तार किया था। महाराजगंज हिंसा के मुख्य आरोपी के घर अब बताया जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन होगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने नोटिस भी जारी कर दिया है और इन्हें मकानों पर चस्पा भी कर दिया गया। विभाग ने 3 दिन का समय दिया है, उसके बाद उसने कहा है कि वो कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही 25 अन्य लोगों को भी अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी होने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है, लोगों में खौफ मचा है, लोग खुद ही अब अपने घरों को तोड़ने लगे। इस बीच अब योगी सरकार की बुलडोजर नीति को लेकर सपा चीफ अखिलेश ने फिर निशाना साधा है और उनका इसको लेकर बयान सामने आया। अखिलेश ने योगी सरकार को महाराष्ट्र की धरती से निशाने पर लिया है। अपने घरों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर आखिर लोगों का क्या कहना है, इससे पहले देखिए आखिर सपा चीफ ने योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर अब क्या कहा है। भारत की जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी की समाज की पहचान रही है, जो हमारे देश की पहचान है कि चाहे हम अलग अलग धर्म के रहने वाले लोग हों, लेकिन हमारे देश की और समाज की यही खूबसूरती है कि चाहे हम किसी धर्म के बने रहें लेकिन सब हम मिलकर के रहते हैं। न केवल आज हम मिलकर के रह रहे हैं, हजारों हजार सालों से हम मिलकर के रह रहे हैं। और दुनिया में जो हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है वो हमारे देश की यही पहचान है कि कोई भी भारत आया होगा, भारत ने उसे अपना लिया और भारत को अपना करके वो अपना हो गया। इसीलिए ये धरती वो है। न जाने कितने धर्मों को यहाँ पर रहने का मौका दिया है। न केवल धर्म मिलकर के रह रहे हैं बल्कि इसी धरती में बहुत सारे धर्म बनकर के आज समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ हमारे समाज की ये पहचान है कि हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं, और हमारे साथियों ने जिस किसी ने भी इतिहास पढ़ा होगा और जो कोई भी कभी ये पढ़ते होंगे कि जब हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए और अमेरिका जाकर के जब उन्हें भाषण देने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि मैं उस धरती से आया हूं जो धरती सबको स्वीकार कर लेती है। न केवल स्वीकार करती है बल्कि वो धरती है जिसके जहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है कि जहाँ कोई आया उसे अपना बना करके दे दिया। लेकिन आज जब हम माहौल देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। प्रशासन की तरफ से यही आया है कि दुकान पे नोटिस लग गई थी, हमारी किराए की दुकान है तो खाली करना ही पड़ेगा, इसीलिए खाली कर रहे हैं। क्या कहा मकान मालिक ने? क्या बोला मकान मालिक ने? बोला कि दुकान खाली कर लीजिए, जो होगा बाद में देखा जाएगा, बाद में अगर दुकान बचेगी तो फिर रख लेना। इसीलिए हम लोग दुकान खाली कर रहे हैं, घर पे ले जा रहे हैं सामान। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी हमारी। दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो होती ही अचानक अचानक, फिर क्या करें। लगता है कि बुलडोजर लग तो रहा है, सिचुएशन यही कह रही है कि बुलडोजर चलेगा। अच्छा, इंटरनेट यहाँ पर नेट चल रहा है? नेट तो फिलहाल चल रहा है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। हमारी यहाँ पे बेकरी की दुकान थी, हम केक बनाते हैं यहाँ पे, तो वही हमारी वैसे दूसरी ब्रांच भगवानपुर में है, सेकंड ब्रांच थी हमारी, अब यहाँ से इसको हम वापस भगवानपुर ले जा रहे हैं। दुकान जी, तो क्या कहा मकान मालिक ने? मकान मालिक ने कहा था शाम को सर कि यहाँ पे नोटिस लग गई, आप अपने बचाव के लिए अपना सामान यहाँ से ले जाइए।
नहीं तो सामान टूट जाएगा, नुकसान होगा आपका, इसलिए सर दुकान खाली करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है सर। हमारा काफी नुकसान है, लगभग 4 से 5 लाख रुपए हमने यहाँ पे लगवाए थे इन्वेस्ट, अभी 2 महीने हुए सर, इतना कमाया नहीं जितना हमारा नुकसान हो गया जी। बहुत दुख है सर। बिल्कुल सर, देखते हुए यही लग रहा है कि पहले से यहाँ पे निशान चिन्ह लगे हुए हैं तो दुकानें अवैध थी, लेकिन हमें बताया भी नहीं गया था, हमें जानकारी नहीं थी, हम दूसरी जगह से आके यहाँ पे अपनी दुकान की थी, खाली मिल गई थी तो दुकान कर ली, लेकिन अब नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा जी सर। जी सर, लोन अब कर्जा लेके बिजनेस होता है, नहीं तो इतना ग्रो कहाँ कर पाते हैं। अभी 1.5 साल में हमने दूसरी दुकान को ली थी, काफी लोड है, काफी प्रेशर है, और हमने 7-8 स्टाफ रख रखे हैं, काम करते हैं, और आज 1 हफ्ता हो गया सर फ्री बैठे हैं, ना यहाँ काम चल रहा है ना वहाँ काम चल रहा है, तो काफी मजबूरियाँ खड़ी हो रही हैं। घर खाली करेंगे कैसे? घर खाली गई तो पर्चा लगा दी ना, कहा चल गई, भूखा नहीं आ सकता, बीमार आदमी है, काम भाग जाए। हम ना जाने तो सब भाग गए, रान रात करे डर के मारे, बहुत हुआ खेले चिट्ठी पर या मिल पतो हमरे हमरे था लड़के, बहुत रोना कि यहाँ से भाग चला तो उधर भाग गए रान, कहाँ चले जब होगी भी आज सबको यार। नोटिस की जानकारी हमें कल प्राप्त हुई है रात में, नोटिस अभी ये जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण मामला यह है कि 3 दिन का जो समय दिया गया है, जब एक्यूज जेल में है, सब जान रहे हैं, तो एक्यूज को सर्व करवाना चाहिए था। जानबूझकर घर पर चस्पा किया गया है कि गैरकानूनी रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामला पेंडिंग होते हुए उस भवन को तोड़ना चाहते हैं, गैरकानूनी काम करना चाहते हैं, इसीलिए गलत तरीके से नोटिस दी गई है। नोटिस जब तक एक्यूज को मिलेगी नहीं, जेल में उनसे मिलने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जेल से उनको अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक इस मामले में जो कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, जिला प्रशासन तो कह रहा है कि जो रोड एनफोर्समेंट है उसके तहत जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसने नोटिस दी है, पहले भी इस बारे में वहां पर चर्चा की जाती है, ये रोड एनफोर्समेंट की जो नॉर्मल कार्रवाई होती है वो कार्रवाई है। आप समझिए मीडिया बंधु, आप समझिए कि सिर्फ 23 आदमी के खिलाफ क्यों, क्या जिला प्रशासन इस बात का प्रमाण पत्र देगा कि इस 23 के अलावा कोई एनफोर्समेंट और नहीं हुआ है? इससे ये स्पष्ट हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि अगर अवैध निर्माण है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर कहा है कि गाइडलाइन बनाई है और कहा है कि तोड़ना चाहिए, बिल्कुल हम इसके सपोर्ट में है तोड़ना चाहिए, लेकिन क्या इस पर अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए? जो आदमी जेल में है, उसका घर लूट लिया गया है, उसको अपने दस्तावेज पेश करने हैं, वो अपना दस्तावेज कैसे पेश करेगा जब आप सही समय नहीं देंगे? हम ये कह रहे हैं कि इसमें आप उचित समय दीजिए, उसका पक्ष सुनिए, उसके बाद आप उसको धराशाही करिए, इस पर कोई रोक नहीं लगाना चाहता है, सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, अपना पक्ष रखने का मौका दें, और जो कानूनी कार्रवाई है उसको करने दिया जाएगा और सपोर्ट किया जाएगा। वकील साहब, वो तो सारी बातें आपने बता दी, आगे फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से कर रहे हैं, क्या कोई आप याचिका डाल रहे हैं, क्या आपकी सुप्रीम कोर्ट में जो भी इस मामले संबंधित याचिकाएं पड़ी है उसमें इसको भी क्लब करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है आपकी, या इंतजार कर रहे हैं कार्रवाई होने का, क्योंकि 3 दिन कल आज पूरे हो जाएंगे? अभी हमारी कुछ अपने सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से बातचीत चल रही है। अभी हमारे कुछ पैनल के लोग बता रहे हैं कि जनाब कपिल सिब्बल साहब से दोपहर में बात होगी, और जो रिट वहां सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसमें इसको कनेक्ट कराने की कोशिश की जा रही है, तैयारी चल रही है, और जल्द ही इसकी हम जो है आपको जानकारी देंगे। आज 3 दिन पूरे हो जाएंगे, हम जिला प्रशासन को आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि इस मामले में हमें अपना पक्ष रखने का अवसर दें, लोग जेलों में बंद हैं, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उनको अपना अवसर नहीं देंगे तो इसका मतलब आप गैरकानूनी तरीके से जबरदस्ती गलत भवन गिरा देना चाहते हैं, उसको पक्ष रखने नहीं देना चाहते हैं, मैं चाहता हूं उसको पक्ष रखने का मौका दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मैं संपर्क में मेरे पैनल लोग के लोग हैं, और मुझे माननीय न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि वहां से न्याय मिलेगा, मैं चाहता हूं मुझे अगर पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा तो भवन शायद न गिरे।